हेलो फ्रेंड्स, मैं पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। सबसे पहले मैंने फ्राइंग कढ़ाई में ऑयल लिया, फिर प्याज लहसुन को भुनने दिया, फिर मैंने मिर्च पाउडर डाला, फिर धनिया पाउडर और अभी मैं हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। फ्रेंड्स, अब इनको भी ठीक से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद जल्दी से इसमें पत्ता गोभी डाल देना है। अच्छा फ्रेंड्स, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे फ्रेंड्स। इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करके मिक्स करते हैं ताकि इसमें नमक भी अच्छे से मिक्स हो जाए। फ्रेंड्स, लीजिए, मैंने नमक भी ऐड कर लिया। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लीजिए फ्रेंड्स, आपकी पत्ता गोभी की सब्जी फ्राई हो चुकी है। बस अब करना क्या है, इसको 10 मिनट तक ढक के रखना है, बर्तन से ढक के रखना है और फिर पक जाएगी है। उसके बाद आप, जो मैं हमेशा कहती हूँ, गरम मसाला और धनिया डाल के गार्निश कर लीजिए और गरम गरम परोसिए। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आप मेरे चैनल नीलम बी से नए नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए। आप मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर तो करते ही हैं फ्रेंड्स। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स, नमस्ते, शुक्रिया, फिर मिलेंगे। टाटा, बाय बाय।